साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं खतौली में हूँ। काफ़ी किसानों की डिमांड आ रही थी मेरे पास में कि जी जो हमारा रिंग पिट विधि से गन्ना लगता है, रिंग पिट वीडर बोलते हैं जिसे, कि वो खतौली में बनवाना है, कोई हमें भैया बता दो, मिस्त्री बता दो कोई। तो मैं खतौली में आया हूँ और हमारी मिस्त्री से बात हुई थी। ये यहाँ पर रिंग पिट वीडर और ये आपका रेटून मैनेजर और खाद फैलाने वाला जो बनता है एक, वो भी, और इनके पास में जो है खंबा गाड़ने वाली मशीन भी तैयार करते हैं, पॉकेट भी तैयार करते हैं, मतलब सब प्रकार का कार्य है। तो इनसे एक बार जानकारी लेंगे अभी सारी। हाँ जी भैया, क्या हाल है मिस्त्री? बढ़िया जी बाबू जी। तो पहले तो भैया थोड़ा सा इसमें अपना नाम बताओ। और मेरा नाम अनस मुल्तानी है जी। हमारी कंपनी का नाम अमर इंडस्ट्रीज एंड लोडर इंटरनेशनल है। अच्छा, हम जो है शुगर कैन पिट डिगर, पोल इरेक्शन मशीन, पोस्ट रोल डिगर, पोल फ्रंट लोडर, फ्रंट डोजर और खाद फैलाने वाली मशीन, रोटर मैनेजर, ये सब प्रोडक्ट बनाते हैं किसानों की सुविधा के लिए। जी जी जी। जो भी इसमें जैसे गन्ने, हमारा ये शुगर कैन डिगर है जी जी, इसमें हमने एक तो ऑगर का साइज रखा है 24 इंची डायमीटर किसान के लिए जी जी, और 1.5 फीट डेप्थ करता है गड्ढा। ये सिंगल पिट डिगर है, सिंगल पिट। इसमें हम डबल पिट डिगर भी ले सकते हैं जी जी जी, जिसमें हम दूरी को डिवाइड कर सकते हैं कि दूरी जितनी गन्ने की गड्ढे की एडजस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि बीच में 3 फीट का फासला, 4 फीट का गड्ढे से गड्ढा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिंगल पिट डिगर में आप कितना भी फासला कर सकते हैं जी जी। ये तो 24 इंची का डायमीटर का है साथ में, और ये है 30 इंची डायमीटर का, ये भी लगभग 1.5 फीट की डेप्थ देता है। ये भी 1.5 मीटर का है जी जी, 1.5 फुट जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये हमारा इसका शक्तिमान का, इसके अंदर हमने गियर बॉक्स लगाया है जी जी, जिसकी लगभग इसमें 90 kg गियर बॉक्स का वेट है। अच्छा अच्छा, हैवी ड्यूटी क्राउन पिनियन है इसमें शक्तिमान का। और दूसरी बात ये है, किसानों के लिए इसमें ये सुविधा की गई है जी जी, अगर ऊपर वाला ना करे, गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है जी जी, तो हमने ये लगाया है। इसमें वेल्डिंग नहीं किया हमने क्राउन जी जी, इसमें बोल्टेज सिस्टम है, कभी भी किसान का अगर टूट जाए तो इसे खोल के अपने आप भी बदल सकता है बिल्कुल ही नॉर्मली तरीके से। इसकी गारंटी भी दे रहे कुछ? 1 ईयर की इसकी फुल गारंटी है जी। अच्छा, पूरे 1 साल इसकी गारंटी है जी, पूरी जी। मशीन की A to Z किसान की घर तक की सर्विस है जी जी जी। ऊपर वाला ना करे, कोई प्रॉब्लम आती है वहीं पर जाके हमारा बंदा सर्विस दे आएगा जी जी जी। तो इसमें एक चीज बताओ, जैसे आपका ये 24 इंची वाला हो गया तो जी, एक ये 30 वाला हो गया जी, अगर कोई सिंगल बनवाना चाहे तो इसके रेट वगैरह बताओ थोड़े से अपने। अगर इसमें सिंगल पिट डिगर बनवाओ कोई जी जी, तो इसमें ज्यादा नहीं, अगर यहाँ से किसान हमारे यहाँ से लेके जाता है लोकल से जी जी, तो मात्र उसको 40,500 रुपए में देंगे हम। अच्छा अच्छा जी, 24 इंची वाला? 24 इंची वाला जी जी। और सिंगल, अगर हम 30 इंची वाला लेंगे जी, 30 इंची वाले में थोड़ा सा शार्प भी बढ़ जाती है, थोड़ा हैवी करना पड़ता है। हाँ जी, ये आपको 45,000 रुपए में मिलेगा 30 वाला, सिंगल पिट डिगर। अच्छा अच्छा, कितने बना के दे दिया आपने तैयार करके? हमने तो भाई साहब बहुत बना लिए, 100+ से भी ज्यादा बना लिए होंगे। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें 24 का ज्यादा जा रहा है आपका या 30 का? ये हमारा जो जाता है ना, इधर जैसे साउथ इंडिया में जाता है जी जी, तो वहाँ पर और महाराष्ट्र तेलंगाना में जी जी, तो उधर जो जाता है ज्यादातर ये 30 इंची डायमीटर का जाता है। अच्छा, 30 इंची वाला जी। और हमारे यहाँ पे पश्चिम में लोकल में, हमारे यहाँ भी ज्यादातर 24 इंची 30 इंची यही चलता है, दो साइज है इसके स्टैंडर्ड साइज जी जी जी। सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा चलने वाला साइज है 30 इंची डायमीटर का है, 30 इंची वाला। तो इससे गन्ने की जो है, गन्ना कभी गिरता नहीं इससे जी जी, और पैदावार बढ़ती है, लंबा गन्ना होता है जी जी जी। तो देखिए भाइयों, ये तो हो गया। और रेटून मैनेजर जो आप तैयार कर रहे हैं? रेटून मैनेजर भाऊजी चले गए हमारे, रेटून मैनेजर का गियर बॉक्स हम, रेटून हमारा जो है गियर बॉक्स खुद का मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, अपना कर रहे हैं आप? ये हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोहे की बॉडी का जी जी, ना कि कोई अपना मतलब खरीदते हैं। आठ एक चून वाली नहीं है वो? नहीं नहीं, लोहे की प्लेन बॉडी का है अपना बनाया हुआ जी जी। अब इसमें पीटीओ शाफ्ट आया रेटून मैनेजर की, मतलब शुगर कैन पिट डिगर की जी जी जी। ये 6 पहल का लट्ठा है, इसमें 6 पहल है। अच्छा, मतलब ये ठोस लोहा है, जैसे ये खोखला पाइप नहीं है, ये पाइप नहीं है जी जी। और इसके अंदर जो है, हमने इसके अंदर बुश लगाया है 6 पहल का जी जी जी। तो इसमें एक तो शाफ्ट बबलिंग नहीं करती, ना आवाज करती, और इसमें टाटा के हैवी वाले 12-10 के क्रॉस वो लगाए गए गुल्ले हैवी वाले। हाँ, ये पीटीओ शाफ्ट है इसकी जी जी जी, बहुत हैवी शाफ्ट है, टूटने फूटने की फुल गारंटी है जी जी। हमारा मजबूत कर रहे काम जी जी, फुल पूरा मजबूत काम है ये हमारा जी जी। एक बार वो और दिखवाओ, आ जाओ। देखे भाइयों, ये यहाँ पे जो है खंबा गाड़ने वाली जो मशीन है, ये भी हमारी, ये पोल इरेक्शन मशीन है जी जी जी। हमारा ये 13 मीटर 11 मीटर 9 मीटर का पोल उठाती है। अच्छा अच्छा जी। और इसकी कैपेसिटी जो है 2 टन की कैपेसिटी है जी, मिनिमम लोड उठा लेगी जी, 2 टन कैपेसिटी है इसकी जी जी। और ये वाई टाइप बूम दिया गया है, इसमें 6 इंच का चैनल है, फुल 6 इंच का चैनल। अच्छा, वो आकर एडजस्ट करने के लिए जी जी। इसके अंदर ये तो एक बूम तो है, इसके अंदर एक फीमेल बूम है। हाँ, फीमेल होगा, जो फीमेल बूम है वो अंदर रखी है जी जी जी।
हाँ या फीमेल हो किसमें? ये फीमेल बूम है जी जी, ये मेल फीमेल बूम है चलने वाली। हाँ, तो लगभग ये लगभग 13 आपका 14-13 मीटर का जो पोल होता है वो लगा देती है जी जी जी। ये इसकी हमारी लेग है जो 6 इंच के चैनल में से बनाई गई है, फुल तरीके से कवर्ड करके की गई है 6 mm पट्टे में से जी जी। ये 39 इंच का इसमें जैक लगा हुआ है। अच्छा, ये ओगर है डबल वरम का। अच्छा, डबल सर्किल का हैवी ड्यूटी ओगर, बुलेट ओगर। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए आप, इसमें क्या होता है कहीं पर हार्ड मट्टी आने की वजह से गड्ढा खोद नहीं पाता, तो हमने इसमें बुलेट लगाई गई है। बुलेट के साथ साथ 4 बुलेट इस साइड है, 4 इस साइड है। और जो है यहाँ पर डायमंड बिट दी गई है, सेंटर घिसना इसके लिए जी जी जी। तो इसे फुल लम फुल हैवी ड्यूटी बनाया, लगभग 160 किलो इसके अंदर वेट है ओगर। अच्छा, 160 किलो जी। अच्छा अच्छा, फुल मतलब सेंटर टू सेंटर बना हुआ है, फेस हुआ हुआ। कितने एचपी ट्रैक्टर पे लगेगा ये? मिनिमम 40 HP पे लग जाएगा मिनिमम जी। और ये इसका फ्रंट बम्पर है, ये हमारा एक बार दिखा देता हूँ मैं जी जी। अच्छा, फ्रंट का है, बहुत वेट है भाई। अच्छा, आप देख सकते हो जी जी जी, ये फ्रंट का बम्पर है जो 2 जैक स्टेबलाइजर जैक लगाया जाता है। हाँ बिल्कुल, पकड़ो भाई मनमुन है, पीछे लगाए जाएंगे जी। हाँ जी, अभी ये हमारा जो पीछे का होगा। हाँ, वो करने के लिए हमने मेल फीमेल बनाई है, 9 जैक की पोल इरेक्शन मशीन है इसमें जी जी। क्या है, जैक जो है जैसे गड्ढा टेढ़ा हो जाता है कभी कभी, ट्रैक्टर आगे पीछे करना पड़ता है, तो इसमें ट्रैक्टर आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं, वहीं से कस्टमर वो जो ड्राइवर होगा हाँ, वही इसको एडजस्ट कर सकता है लीवर से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 2 फीट से 3 फीट की चाल दी। तो इसमें प्रेशर तो जैक तो इसमें 2 जैक लगेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, इस तरीके से जैक लग जाएंगे दोनों, वो ड्राइवर ऐसे ही एडजस्ट करके पीछे कर देगा। इसमें 3 फुट की एडजस्टिंग हो जाएगी आपकी चाल। हाँ, ठीक ठीक। एक जैक इस साइड लगेगा, एक इस साइड। अच्छा, ये हमने इसमें लोहे की पाइपलाइन दी जो किसान की टूटे ना कभी भी, काम करते हुए फटे ना, ऑयल ना लीकेज हो, केवल रबड़ के जो पाइप आएंगे आधे मीटर का आएंगे बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनमें ज्यादा मेंटेनेंस हो। हाँ जी, इसका ये डबल, ये 9 जैक का मशीन है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर भी हमने अपना जो गियर बॉक्स, तो ये भैया ये कितने में लगा रहे आप? ये वाली जो मशीन है सर, यहाँ पर आके 7 जैक की जो मशीन है वो लगभग 2,20,000 रुपए में कंप्लीट करके कंप्लीट लगा कर देते हैं 7 जैक की जी जी जी। फुल लम फुल हैवी ड्यूटी होगी, 14 क्विंटल वजन होगा हमारी मशीन के अंदर। अच्छा अच्छा, 1,400 किलो वजन होगा बिल्कुल जी जी जी। और भैया जो आप पॉकेट भी बना रहे थे जी, फ्रंट लोडर। हाँ, ये खड़ा ट्रैक्टर हमारा फ्रंट लोडर के लिए। हाँ, जैसे ये तैयार, ये इसका बोकिट है जी जी, जैसे बोकिट है भी ये तैयार नहीं है, इनकम्प्लीट है अभी बिल्कुल। हाँ, ये इनकम्प्लीट है, टैग ही नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल। इसका जैसे ये तो इसका बोकिट का ये बोकिट हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद ये इसका बक्सा रेखा है पीछे, काउंटर वेट। ये कितने में लगा रहे हैं आप? मतलब ये लगा रहे हैं 1,60,000 रुपए में। 1,60,000 में इसमें 40 HP का ट्रैक्टर चाहिए जी जी, इसमें 30 HP का भी काम कर जाएगा जी जी जी, बस केवल पंप की कैपेसिटी अच्छी हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, ISO सर्टिफिकेट। अच्छा अच्छा, ISO सर्टिफिकेट है। और ये लोडर की लेग है। हाँ, ये भी इनकम्प्लीट पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छे तरीके से काम जी जी। हाँ जी, तो देखिए भाइयों, आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी, तो मैं इनसे एक बार मोबाइल नंबर और लेना चाहूँगा, तो इसमें तो भैया अपना नंबर और बता दो मोबाइल। 7534 जी जी, 97 41 25। अच्छा अच्छा, ये हमारा नंबर है जी, किसी भी एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं, रात को भी अगर कॉल करेंगे तो कॉल उठेगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कॉल नहीं उठेगी। तो देखिए भाइयों, इस नंबर पर बात करके जिसे भी भाइयों रिंग पिट बनवाना है या रेटून मैनेजर, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।